Sir, please come to stage. जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का. वेलकम सर. तैयार हो जाइए. मैं जब चाहता हूं कि भाई फ्लैग होस्टिंग से पहले आप सब लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं. स्टैंड अप एवरीवन प्लीज. इट इज अवर नेशनल ड्यूटी. थैंक यू वेरी मच. अब वेदिका कमाक्षी अपने स्थान पर वापस जा रही है. परेड को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देने के लिए तैयार वेदिका कमाक्षी मौजूद है आपके सामने. एकदम पीछे शाहजेब हफीज और उसके पीछे फर्स्ट कमांडर अंश कुमार. वापस अपने स्थान पर प्रस्थान किया. सीधा मुड़ी और फिर
माता की, आवाज नहीं आ रही भाई, भारत माता की, वंदे वंदे। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है आज के दिन में हमारे को यहाँ प्रयास इंक्रीज मॉडल हाई स्कूल की तरफ से जो ये झंडा चढ़ाने का जो मौका देते हैं, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे यहाँ पर जो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती है, इसके लिए हम हर साल अपने और हमारी मैम जो प्रिंसिपल मैम जो प्रयास इंक्रीज मॉडल हाई स्कूल की, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर और टीचर्स और यहाँ पर आए हुए पेरेंटेज और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी मतलब मुबारक भी दे देता हूँ कि आज मैं थोड़ा हमें गवर्नर साहब ने भी इनवाइट किया हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से। जो एक सरपंच जो चुना गया है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, वो महेंद्र सिंह, वहाँ जाऊँगा मैं और मैं ज़रूर अपने पंचायत के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई ना कोई मांग रखूँगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आज 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, इसमें हर साल ये मनाया जाता है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत विदाई देता हूँ। प्यारे बच्चों, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अच्छी मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो दूर तक जाओगे, नहीं तो हमारी तरह सरपंच या नेता ही बनोगे, तो उनके लिए उसके लिए भी बहुत पढ़ाई चाहिए होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया मेरे अच्छे वक्त में दुनिया ने बहुत सी तारीफ की, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे भी पता लगा दुनिया कहाँ कहाँ क्या क्या करती है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना, और अपने जो अलग अलग एक्टिविटीज जो हमारे स्कूल के जो पेरेंटेज सिखाते हैं, इसके ऊपर जरा गौर करना, पढ़ाई पर जोर लगाना। हम ज़्यादा ना कहते हुए अपने एक आपको थोड़ा एक छोटा सा ज्ञान देंगे। बल से बल टकरा गया लड़ी आन पे आन, वीरों की ललकार से गूंज उठा ब्रह्मांड। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज इतनी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जम्मू के लिए निकलना है, वो वहाँ भी आज मुझे इन्वाइटेड किया गया है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सबको एक बार दोबारा से घोष लगाऊंगा। जरा जोर से उसका उत्तर देना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस इलाके के महेंद्र सिंह जी, आपको भी निमंत्रण मिला है तो ये हमारे लिए एजाज की बात है। जोरदार ताले बजाई जाए इसी बात के ऊपर कि इस वन ऑफ देम ये उनमें से एक है। और मैं चाहूंगा सर कि भी आप जरूर ये इस पंचायत के लोगों के लिए कुछ खास, कुछ नया, कुछ बेहतर जरूर करेंगे आगे इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों की बात वहां तक जरूर पहुंचाएंगे, जो यहाँ के मसाले वो हल करेंगे। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने साथियों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि भाई मेरे तमाम जो साथी हैं मेरे पास आ जाएं, ताकि हम स्टेट की ये जो हमारे स्कूल की एक रस्म है वो हम पूरी करें प्लेज के साथ। तो मेरे तमाम जितने भी यहाँ पे साथी हैं, चाहे जाकिर साहब हैं, रमेश साहब हैं, हिम्मत साहब हैं, और तमाम मैडम जितने भी यहाँ पे मैम से, वो भी प्लीज स्टेज पे। वी हियर बाय प्लेज, वी हियर बाय प्लेज टू डू माय बेस्ट टू शो रेगुलरिटी, पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स ऑल टास्क असाइन टू मी बाय माय पेरेंट्स, टीचर्स, गाइड्स एंड ग्रुप लीडर्स। आई प्लेज टू स्ट्राइव हार्ड टू एक्सीलेंट इन डेवलपमेंट ऑफ PHMS and its various components designed by PHMS for building and strengthening in me competencies, performance and commitments, leading to children all round development to always show respect towards my profession, my teachers, elders, fellow trainees and group members. I further pledge that during and after the completion of all official tasks, I bring honor to our Constitution of India and PHMS founder by performing my duties towards the students, community, society
and nation at large with full zeal, professional ethics, sincerity and devotion. Jai Hind, Jai Bharat. Sarpanch Mohinder ji, Navin Margdarshan ke society ke chairman, audience, star members, dear students, good morning to all of you. मैं अपने चीफ गेस्ट का अंदर बात करती हूँ कि वो आज यहाँ पे पधारे और झंडा उन्होंने फ्लैग होस्ट किया, तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इनको जब भी बुलाया जाता है तो ये बड़े आदर प्रेम के साथ यहाँ पे पहुँच जाते हैं. थैंक यू सर. और रिपब्लिक डे आप जानते ही हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह का दिन होता है, उत्साह प्रेम भरा दिन होता है. कई वीर जवानों ने अपने जान की बलिदान देकर देश को आजाद करवाया था, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी के बारे में क्या कहें, वो तो शांति के प्रतीक थे. तो बहुत सारे वीर जवानों ने, देश प्रेमियों ने अपने देश की आहुति देकर हमें ये दिन दिखलाया है. तो हम इस भारत की बात करें तो महिलाओं की बात की जाए तो कल्पना चावला से लेके लक्ष्मीबाई को लेके, लक्ष्मीबाई ने अपने जान देकर देश को आजाद करवाने में बहुत योगदान था. तो यहाँ तक चांद तक जाने की बात की जाए तो कल्पना चावला ने ये कह दिया कि जो लेडीज है, लेडीज का भी बहुत सारा योगदान है जो हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं. चंद्रयान की बात की जाए तो हमारा भारत किसी से कम नहीं है. मैं उन सभी महान योद्धाओं को, देशभक्तों को अपनी ओर से आदर प्रेम नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया और हमें ये दिन दिखलाया. इसी साथ में जो यहाँ पे ऑडियंस आए हुए हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो भारतवासियों का इतना सा अधिकार तो बनता है कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें, हम अपने देश में कुछ नया करें. और जो न्यू यूथ है तो ये तो देश को चलाने वाली यूथ है. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, टाइम कम है उनके पास, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. आप सबसे अलविदा चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. वतन की उल्फत दिल से निकलेगी ना मर कर भी, वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी कुछ भूवे वफा आएगी. वाह वाह वाह, क्या बात. गुड मॉर्निंग एवरीवन. रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट श्री मोहिंदर सिंह, एक्स सरपंच मैत्रा ए, नवयुग महादर्शन सोसाइटी चेयरमैन श्री हिमराज त्री जी, प्रिंसिपल प्रासिन क्रिश पेरेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय नेम इज शौकत अली. एट फर्स्ट आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. टुडे इज 26 जनवरी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 75th रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस. On this day, celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. आखिर में एक शायद अर्ज करना चाहूंगा. मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते. वफा की याद में सियासत हम नहीं करते, वफा की याद में सियासत हम नहीं करते. जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुसल करके, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुसल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते. वाह वाह, बहुत बढ़िया. हम लोग गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं.
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही भारत को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया है। आजादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। आज हमें देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों का सदा ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान बनाने और हमें अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात एक कर दिया। यह तो हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसी संविधान की वजह से आज हम सभी एकता की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए कुछ बच्चे शायद ये नहीं जानते हैं कि हमें आजादी दिलाने के लिए और इस भारत का संविधान बनाने के लिए ना जाने कितने भारतवासियों और सेनानियों की जान गंवाई है। जाते जाते मैं अपने देश के सेनानियों के बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि हम इन पंक्तियों के मतलब को हमेशा याद रखें। जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दें, जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दें, तूफानों का तुमने तेवर ही कहाँ देखा, तूफानों का तुमने तेवर ही कहाँ देखा। जबरदस्त है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके पास बेनिसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, क्या लगा एंड माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
Myself, Sarya Javis, student of ECC Health, welcome to you all on the occasion of 75th Republic Day function and in the today at deliver my speech on Happy Republic Day. खो पापन से कहा दिल में रेया आ गई, बात सच्ची है जो वो लब पे सारी आ गई, दिल से न निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आ गई। एज यू ऑल नाउ टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 75th रिपब्लिक डे ऑफ आवर इंडिया। On this day in 1950, our constitution came into effect. However, it was adopted on 26th of November 1949 under the chairmanship of our beloved Dr. P.R. Ambedkar, and we all know him as father of the Indian constitution. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आ गई, मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमत कौम वतन में जो बला आएगी। The constitution is like the boss of all in a country. काम रखी उन्होंने उधर से बोला, मैंने आवाज वाले बढ़ा हुआ उस लहू की कहानी कहे जग घूमिया ऐसा झटका जग घूमिया गाना हाई मंदिरों की झंडी कहे हाय खुदा की अजन कहे कहे खालसा की अरदासे हाय कृष्ण की कहानी कहे कृष्ण सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू, बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू, वीरों का जुनून, वीरों का जुनून भी है भारती की शान है, एकता की जंजीरों शहर संभाले तू, दुनिया भी जैसा जलता है मन गंगा का पानी भी कभी नन्ने मुन्ने बच्चों ने अपनी जुबानी कही उसके लिए जीना मरना जग घूमिया न कोई जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का जन्म, मैं कल भी था मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है, मैं देश भक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भर भर मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा,
लोगों ने खुद छा गया है आकाश पर अब तिरंगा है वतन। सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। इशफाकुल्ला खां हिंदुस्तान देश के एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस देश के ऊपर निशावर किया। उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि भी अंग्रेज बातों के गुलाम नहीं है, जो बातों के गुलाम जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, कहीं ना कहीं इशफाकुल्ला खां या भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव, ये तमाम ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने देश को मोबिलाइज किया और देश को एक ऐसा संदेश दिया कि भाई नौजवानों को भी कमर कसनी पड़ेगी। नौजवानों का काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि भी वो स्कूल्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अपनी तालीमें मुकम्मल करें और तालीम तक ही सीमित रहे, बल्कि उनका काम यह भी है कि बाकी देश को भी चलाना है। लिहाजा संदेश इम्पॉर्टेंट होता है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। पेश किया धरती बसती एक हालत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा किन्ना सोना
आवाज है। Thank you.
द गेम हैज बीन स्टार्टेड नाउ. Both boys are working very hard. They are in race. Who is going to win this competition? Have a close watch on both of them. अच्छा एक lead कर रहा है. ठीक. दक्ष कर रहे हैं. बहुत free. They are doing their best. I'm looking at Mr. Ansh is very fast. While he's doing the actions, also giving him a... Ansh kar lega, I think. Lag raha. Stop. Ansh has won this game. Give a big hand for Mr. Ansh. Both of boys are commendable. Both are talented once again. Give a big hand for both of them. They have played a very great game. Mr. Daksh, the game is ours and you are still playing. Game is over. I think Hone I think he is a little bit confused. He has got a lot of bugged. Cheating, cheating. You are. Double time laga hoga. आवाज करो ना. हर एवरी आज अपने साथियों को पोजीशंस करती हुई कहीं ना कहीं जोर से तालियां बजा जाए इन नन्ही मुन्ही बच्चियों के लिए जो आपके सामने पेश करेंगी और पेश करेंगे तेरी शान के सबके. तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. मिशी आ गया. आ गया. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. हम हर किस मिटा सकते नहीं. क्या बात है ताले क्यों बज रहे भाई. अपनी आजादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं. सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. जो तालियों से अगली पेशकश के लिए हमें मंगल गावे मनोपति फुलवारी
गुलाबी शरारा, हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा।
सको तो समझो दिल भर जाने किसी से जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी समझ सको तो समझो दिल भर जाने थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तो मैं है पर थोड़ी भी जाता नहीं हमने काफी खाते हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 फायदा ना डेड हो जाएगा पेज उधर से आपने गाना डाली लाइव पे भी उस टाइम डिस कर सकता गाना ओ मेरी सासू की भर ले पानी आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो पर बात की हो एक पानी नींद भरंसा में भी रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथों में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं मेरे नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं सही पैसा इसका मिलता है ये यहाँ से कमाई होती है वैसे ये एक्टिव नहीं है ये नहीं है आपको फायदा नहीं डालते कभी एक्टिव नहीं होता भाई घंटे ना आपका एक्टिव है ना आप देख सकते हो कितना वाल टाइम हुआ है ये मैं देख सकते हैं मतलब इसका सेटअप हो गई बड़ी बड़ी वीडियो में फिर वार्ड में पड़ेगा